हे कोडिंग आउल्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग कोशिश करने वाले हैं समझने की जावा के 4 एक्सेस स्पेसिफायर्स हिंदी में और यूज करके बॉलीवुड की सॉन्ग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जावा के अंदर 4 एक्सेस स्पेसिफायर्स है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड पब्लिक। तो शुरू करते हैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर से। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर वो एक्सेस स्पेसिफायर है अगर जिसको आपने वेरिएबल या मेथड को प्राइवेट मार्क कर दिया, तो उस वेरिएबल को आप सिर्फ उस क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हो। अगर आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बाहर भी बनाते हो कोई दूसरी क्लास में और कोई और से इसको कॉल करने की कोशिश करते हो, उस प्राइवेट वेरिएबल या मेथड को आप नहीं कर पाओगे। एक प्राइवेट वेरिएबल बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट आप बता सकते हो मुझे नंबर, लेकिन आपका बैंक बैलेंस कितना है ये आप मुझे नहीं बताओगे, क्योंकि वो बहुत ही प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। और इसको एकदम अच्छे से समझने के लिए आइए ये क्लिप देखते हैं। तो बता, अरे कुछ तो बता, ना, 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 ना। फोन का नंबर, घर का पता, ना, 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 ना। तो देखा आपने किस तरीके से ना फोन का नंबर ना घर का पता चल रहा है। सो इस तरीके से प्राइवेट वेरिएबल का काम होता है। अगला है डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। यहाँ पे आप जो पैकेजेस बनाते हो ये आपकी फैमिली जैसे होती है। तो आप क्या करते हो, जो आपकी एक्सेस स्पेसिफायर आपने जो बनाया है वो आपने जिस पैकेज में रखा है और जो भी क्लासेस उस पैकेज के अंदर है आप सब उसको यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप किसी और आपको अगर किसी चीज़ को डिफ़ॉल्ट मार्क करना है तो आपको कुछ लिखना ही नहीं होता है। अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो आपका एक्सेस स्पेसिफायर बाय डिफॉल्ट हो जाता है। तो इस तरीके से, और अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई इनहेरिटेड क्लास कोई और पैकेज में पड़ी है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई बेटी है, जब तक उसकी शादी नहीं हुई वो आपकी बेटी है, बट उसकी शादी हो जाने के बाद नॉर्मली हमारे यहाँ पे इंडिया में उसका सरनेम चेंज हो जाएगा, वो कोई और पैकेज में जाके बैठ जाएगी, बट वो स्टिल आपकी बेटी है। तो इस सिचुएशन में अगर आप कोई वेरिएबल को प्रोटेक्टेड मार्क करते हो तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल का जो वैल्यू है या मेथड का वैल्यू है वो वहाँ पे यूज़ होता है। इन शॉर्ट, अगर आप किसी चीज़ को डिफ़ॉल्ट और प्रोटेक्टेड मार्क करते हो तो वो सिर्फ आपके अपनों के लिए अवेलेबल होगी, बाहर वालों के लिए नहीं। तो प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट वेरिएबल के लिए बाकी सब सपने होते हैं और सिर्फ अपने ही अपने होते हैं। और लास्ट में आता है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो और इसकी वैल्यू सबको पता चलेगी, जो भी इसकी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल आपका नाम, अगर मैं आपको ढूंढने की कोशिश करूँ तो मुझे आपके नाम से, आप अपना नाम ना फेसबुक पे छुपाते हो, ना लिंक्डइन पे छुपाते हो, ना ट्विटर पे छुपाते हो, ना इंस्टाग्राम पे छुपाते हो, आप अपना नाम सब जगह बताते हो, क्योंकि आपका जो नाम है वो एक पब्लिक डोमेन एक्सेस स्पेसिफायर में आता है। इन शॉर्ट, तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर उस मजनू की तरह है जो कुर्ता फाड़ के चिल्ला रहा है अपने लैला का नाम। तो इस तरीके से हमने देखा कि जावा के अंदर 4 एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, चारों का वर्किंग अलग पैटर्न में है। और मैं आशा करता हूँ कि इस सॉन्ग्स के ज़रिए आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।